आप यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 1-6 अपलोड हो चुके हैं। इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 अपलोड होगा। क्वेश्चन है द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 24 हैज अ फैक्टर x प्लस 4। ये इम्पोर्टेंट बात है, ये मैं इसको सर्कल कर देता हूँ ताकि इसके अंदर एक चीज़ हिडन है वो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो आपको बता देता हूँ। एंड इट लीव्स और रिमाइंडर ऑफ 36 when divided by x minus 2। Find the value of L and M। एक पॉलिनोमियल उसने दिया हुआ है और उसी पॉलिनोमियल के ऊपर दो कंडीशन हैं। एक कंडीशन उसने फैक्टर की दी है, जब वो फैक्टर का वर्ड यूज़ करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसका रिमाइंडर ज़ीरो होगा, और दूसरी कंडीशन के लिए उसने रिमाइंडर प्रोवाइड किया हुआ है। तो पहली कंडीशन जब आप अप्लाई करेंगे तो इट इज़ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 24। एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 हमें मिल जाएगा, जो कि उसने फैक्टर के हवाले से बताया हुआ है। तो फैक्टर का जब भी किसी पॉलिनोमियल का कोई टर्म फैक्टर होता है तो रिमाइंडर हमें 0 मिलता है। चलें जी, पी ऑफ माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 का क्यूब, यानी कि एक्स को आपने माइनस 4 के साथ रिप्लेस करना है, प्लस एल इंटू माइनस 4 स्क्वायर प्लस एम इंटू माइनस 4 प्लस 24। अब पी ऑफ माइनस 4 की जगह हम कहेंगे 0, क्योंकि वो फैक्टर के बारे में बता चुका है, इज इक्वल टू माइनस 64 हो जाएगा, और प्लस एल इंटू ये हो जाएंगे 16 माइनस 4 एम प्लस 24
0 इज इक्वल टू -64 प्लस 16L -4M प्लस 24। 0 इज इक्वल टू 16L -4M -64 प्लस 24 विल गेट -40। अब इस 40 को दूसरी तरफ लें, प्लस हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 16L -4M। इसको मैं रीराइट कर देता हूँ, 16L -4M इज इक्वल टू 40 हमें मिल गया। अब इसको मैं बॉक्स करता हूँ क्योंकि नेक्स्ट हम इसको यूज़ करेंगे। अभी ये वाला जो इक्वेशन है हमें मिला है कि जब हमने x प्लस 4 फैक्टर लिया था कि x को रिप्लेस किया था विद -4 क्योंकि x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है और x का वैल्यू हमने -4 लिया। अब जो सेकंड कंडीशन है वो ये है, p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 24। यहाँ पे उसने x माइनस 2 कहा है कि इसके साथ डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2, x को रिप्लेस करेंगे 2 के साथ, लेकिन ख्याल रहे यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं लेंगे। p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस एल इंटू 2 का स्क्वायर प्लस एम इंटू 2 प्लस 24। अब पी ऑफ 2 उसने प्रोवाइड किया हुआ है क्वेश्चन में, ये मैं आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट में बता देता हूँ, एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36 When divided by x माइनस 2, कि जब x माइनस 2 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, ये इसका फैक्टर नहीं है बल्कि ऐसी सिचुएशन में जो रिमाइंडर है वो 36 मिलेगा। अभी आप क्या करेंगे, वेरी सिंपल, यहाँ पे p ऑफ 2 था वहाँ आप रिप्लेस कर दें 36। 36 इज इक्वल टू 8 का 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस l इन टू 2 टू हो जाएंगे 4 प्लस 2m प्लस 24। अब 36 इज इक्वल टू 8 प्लस 4l प्लस 2m प्लस 24। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 4L प्लस 2M प्लस 24 और 8 को जब ऐड करेंगे इट विल बी 32। अब 32 को लाके माइनस करें 36 में से, 36 माइनस 32 इज इक्वल टू 4L प्लस 2M, यूजिंग अप प्लस 4, 4 इज इक्वल टू 4L प्लस 2M, और इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, जब 2 कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2L प्लस M। अब ब्रैकेट को मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2L प्लस M इज इक्वल टू 2, इसको मैं कर देता हूँ बॉक्स। अच्छा अब देखें, अब हमारे पास जो पहला सॉल्यूशन था वो था 16L माइनस 4M इज इक्वल टू 40, इसमें से 4 कॉमन आ सकता है, मैंने कॉमन पहले नहीं लिया था, अभी चूँकि कॉमन लेने से सिंपल हो जाता है इक्वेशन और आपको सॉल्यूशन में इजी हो जाता है। 4 जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4L माइनस M इज इक्वल टू 10, तो अब इसकी बजाय हमारे पास हो जाएगा 4L माइनस M इज इक्वल टू 10।
अभी इसको मैं इसको बॉक्स करता हूँ, ये हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा ताकि हमें मज़ीद कटिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। ख्याल रहे कि आप यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग जो कि मेरा एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है वो आप देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, इसका शेयरिंग करें और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, क्लास फेलोज़ हैं, और उनको बताएं ताकि इस चैनल से ज़्यादा लोग मुस्तफीद हों। चलिए जी, पहले हमारे पास आया था साइमल्टेनियस कॉन्सेप्ट है, साइमल्टेनियस इक्वेशन का 4L माइनस एम इज इक्वल टू 10, इसको हम मार्क करेंगे इक्वेशन 1। और सेकंड है 2L प्लस एम इज इक्वल टू 2, और ये सेकंड आपके पास इक्वेशन है। अब हमने देखा कि m और m जो हैं वो इक्वल हैं, और साथ में ये भी पता चल गया कि इनका जो साइन है वो अपोजिट है। जब अल्फ़ाबेट इक्वल हों, साइन अपोजिट हों, तो दोनों में कटिंग हो जाता है, m और m आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 प्लस 2 हो जाएंगे 6, l इज इक्वल टू 10 प्लस 2 हो जाएंगे 12, और अभी इस 6 को दूसरी तरफ जाके आप शिफ्ट करें तो L इज इक्वल टू 12 अपॉन 6, L इज इक्वल टू 2, आपको एक अल्फ़ाबेट मिल गया। अभी आपका चॉइस होता है कि इस अल्फ़ाबेट का या तो वैल्यू आप 1 में प्लस कर लें, ऐड सॉरी इसको प्लस नहीं होता बल्कि रिप्लेस कर लें, सबसे इसका होता है कि पुट करना होता वैल्यू, या आप इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर लें। ये लें जी, मैं आपको पहले दोनों में मैं आपको बता देता हूँ, मैं पुटिंग वैल्यू ऑफ एल इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन को आप लें 4L माइनस एम इज इक्वल टू 10। अब 4L का वैल्यू में बस 2 है, माइनस एम इज इक्वल टू 10। अब ये हो जाएगा 4 2 8 माइनस एम इज इक्वल टू 10। अब 8 माइनस 10 इज इक्वल टू एम, और माइनस 2 इज इक्वल टू एम, एम इज इक्वल टू माइनस 2, ये आपके पास m का वैल्यू आ गया। l का भी हमारे पास आंसर आ गया, m का भी आ गया, l का वैल्यू 2 है और m का वैल्यू माइनस 2 है। लेकिन बाद स्टूडेंट कहते हैं कि पता नहीं सर दूसरे इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे ठीक आएगा या नहीं आएगा, वो भी मैं आपको कर देता हूँ। 2l प्लस एम इज इक्वल टू 2। अब 2l का वैल्यू हमारे पास 2 है, प्लस एम वैल्यू हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 2। अब 2 2 0 हो जाएंगे 4, प्लस एम इज इक्वल टू 2। अब 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एम इज इक्वल टू 2 माइनस 4, और एम इज इक्वल टू माइनस 2। अब देखें दोनों सूरतों में आपका जो आंसर है वो सेम ही है, तो इसलिए आपने इसमें बस एक किसी एक में वैल्यू पुट करके आप आंसर लें तो आपका एक वैल्यू एक इक्वेशन में ही वैल्यू पुट करने की ज़रूरत होती है, दूसरे में आपको पुट करना ज़रूरी नहीं होता है। ये आपकी मैंने ज़रा तसल्ली के लिए कर दिया था। इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग जो कि एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है वो आप देख रहे थे, इसमें एक्सरसाइज 5.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन सीखा। इन
आंसर्स को, क्वेश्चन को, वीडियोस को देखने के बाद आप बार बार प्रैक्टिस करें। अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम होता है तो वीडियो को दोबारा देखें। अगर फिर भी आपका मसला रहता है तो यू कैन कॉल मी एट 0321-5838-264। हाँ, जाने से पहले आप मुझे बताएं कि मुझे चैनल को आप सब्सक्राइब कर चुके हैं या नहीं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी इसको सब्सक्राइब करें। अच्छा, इसका बेल आइकॉन जो है ना ऑन रखें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहें जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं, साथ में ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे चैनल के ऊपर कमेंट करें, मेरे वीडियो के ऊपर कमेंट्स करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और वीडियो का शेयरिंग करें। चैनल पे अपना नंबर दिया हुआ है तो आप मेरे 0321-5838-264 पे मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।